पण महाराष्ट्रामध्ये या संकटाच्या काळात सुद्धा उद्योगधंदे येत असताना महाराष्ट्र पुढे जातो आहे म्हणून महाराष्ट्राची बदनामी केली जाते महाराष्ट्रामध्ये जणू काही कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वात नाहीच आहे मुंबई पोलीस हे निकम्य आहेत आणि त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे जे कायमध्ये सगळं झालं की जणू काही महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी पार्क असेल इकडे असेल तिकडे असेल गांजा आणि चरसची शेतीच फुललेली आहे हे एकूण असं चित्र म्हणजे मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर आहे महाराष्ट्र मुंबई पोलीस निकम्य आहेत ते काही काम करत नाही आहे इकडे सगळे नशिले आहेत चरस गांजा इकडे रोग उघड उघड विकला जातो आहे हे असं सगळं चित्र करायचं त्यांना माहिती नाही अजून ही या महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये आमच्या घराघरामध्ये तुळशी वृंदावनं आहेत गांजाची वृंदावनं नाही आहेत असं कोणतं पिक्चर आलं नाही माई गांजा तेरे घर का हे तुमच्या घरात असेल गांजाची चे शेती जिकडे असेल कुठे आहे ते तुम्हाला माहिती आहे पण एकूण महाराष्ट्राची वाट लागलेली आहे कायदा सुव्यवस्था नाही सगळे नशिली लोक आहेत पोलीस नाहीत हे नाही पाक व्याप्त काश्मीर झाले एवढी बर्बादी करून टाकायची आणि ती सुद्धा पोलिसांची बर मानहानी मी का सहन करू जसा मी तुमचा कुटुंब प्रमुख आहे तसा होय मी माझ्या मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा सुद्धा कुटुंब प्रमुख आहे उद्धव ठाकरे तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी नमक हराम कहा इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है धमकाया है मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हराम खोर के इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है आ, लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा उसी भाषण में आपने जो हिमालय है हिमाचल है जो कि माँ पार्वती की, की जन्मभूमि है उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है आज भी कणकण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं इसे देवभूमि कहा जाता है इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है चीफ मिनिस्टर आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुल, तुलना क्योंकि वहां पे आज़ाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपके आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की तो बहुत ज़्यादा संविधान के जो जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है मैं बात कहना कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आप की कोई सहायता नहीं करता है वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं देश के लिए कुछ करते हैं तो आप कौन सा हम पे पहचान कर रहे हैं आप खुद के लिए अपने लिए ये कर रहे हैं अपने देश के लिए ये कर रहे हैं वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं ना हमें ठूसने आते हैं ना हम खुद ही लेते हैं लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी वो कुछ नहीं कहेंगे चीफ मिनिस्टर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो आपसे खुश नहीं है सत्ताएं आती जाती है लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान खो देता है चीफ मिनिस्टर वो उसे नहीं पा सकता है